हेलो व्यूवर्स, आज मैं एक हैक लेके आई हूँ जो विंटर्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने ओल्ड स्लीव्स ली हैं, एक वुलन स्वेटर की, देन ये ओल्ड स्लीपर्स थी मेरी घर पे वेस्ट। मम्मा इसको फेंक के दे रही थी, मैंने कहा रहने दो, मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगी। सो स्लीव्स को मैंने ऑपोजिट किया, देन इसको फिट ऑन किया स्लीपर में, आगे के साइड से पीछे एंड ऊपर अपर साइड में मैं इसको फोल्ड करूंगी, अच्छे से खींचूंगी। शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। देन पीछे के साइड से भी सेम करना है आपको, पीछे फोल्ड करना है, ऑपोजिट करके पीछे फोल्ड करना है। देन ये जो अपर एरिया इसको पूरा कवर कर देना है, तो ये हमारा एक शू का लुक ले लेगा। तो आप समझ गया मैं क्या बना रही हूँ, अपने पैट्स के लिए क्यूट सा वुलन स्लिपर बना रही हूँ जो एक शू स्टाइल का है। सो अब इसे अच्छे से फिट ऑन कर लेंगे, शू का लुक दे देंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, हैक्स अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। देर किस बात की, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, और मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं आपके लिए कौन से हैक्स लेके आऊँ। देन अब मैं इसको स्टिच करूँगी, अच्छे से खींच के, जिससे इसका जो साइज़ है वो मेंटेन रहे, जिसका शेप है वो मेंटेन रहे। बहुत अच्छे से इसको खींच के सुई से हमें स्टिच करना है। थ्रेड को आप डबल रखोगे तो इजली वो फटेगा नहीं और काफ़ी मज़बूत रहेगा। अभी तो नहीं बोल सकती मैं, जब ये बन के रेडी होगा तो काफ़ी इनोवेटिव क्यूट सा लगेगा। आप देखते रहिए प्रोसेस। और हाँ प्लीज़, हाँ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट्स भी। अपर साइड से या लोअर साइड से, मतलब एक साइड आपको लेना है, उसे सिल के अच्छे से टाइट कर देना है जिससे ये फिक्स हो जाए। इसे हम पूरा सिल देंगे। देन ये मैं मोची की शॉप से ये पतावा लेके आई थी, जिससे हम इसे घर पे ही नहीं घर के बाहर भी पहन के जा सकते हैं। इसे फटने का कोई टेंशन नहीं कि कपड़ा लगा हुआ है नीचे तो ये फट जाएगा, तो ये मैं लेके आई थी। वही 20-30 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको वन पेयर। सो इसे क्यू फिक्स की हेल्प से हम फिक्स कर देंगे बैक साइड में अच्छे से। आप इसे फिक्स कर लीजिए। ये फेवी बॉन्ड आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा इजी। देन इसे फिक्स कर दिया मैंने, ये अच्छे से फिक्स हो गया हमारा। अब इसमें करना मेरे को ये है कि जो कागज़ का टेप आता है उससे मैं इसे फिक्स कर दूंगी और वन डे के लिए छोड़ दूंगी अच्छे से फिक्स होने के लिए। कागज़ का टेप होता है, आप उसे यूज़ करिए अच्छे से टाइट, उसे फोल्ड करके वन नाइट के लिए आप छोड़ दीजिए। ये हमारा कागज़ का टेप, इसे हम वन डे के लिए फोल्ड करके छोड़ देंगे। अच्छे से टाइट करेगा जिससे अच्छे से जो ये पैतावा है ये हमारे स्लीपर पे फिक्स हो जाए। देन हम ये निकाल लेंगे और ये हमने एक क्यूट सा ब्लैक रिबन से बना लिया है, और इसमें एक पर्ल अटैच कर दिया जो हमारे शू स्लिपर को बहुत क्यूट लुक दे रहा है। अब इसमें हम ब्लैक एंड वाइट आइज फिक्स करेंगे फिक्स बॉन्ड से।
जो इसे बहुत इनोवेटिव क्यूट लुक देगा। बहुत 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 क्यूट लगेगा ये बनने के बाद, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए आईज फिक्स कर दिया मैंने। अब आती है नोज़, तो आप कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको अच्छा लगे। मेरा ब्लैक है तो मैंने इस पर सोचा कि मैं येलो नोज़ फिक्स करती हूँ, तो बहुत ढूंढने के बाद मेरे को येलो नोज़ मिल गई, तो मैंने येलो नोज़ फिक्स कर दी। देन माउथ, तो लिप्स रेड होते हैं तो मैंने सोचा ठीक है मैं रेड कलर का माउथ इस पर फिक्स कर दूँगी। फिर मैंने ढूंढा क्राफ्ट शॉप पे, मेरे को मिल गया, ये मैंने फिक्स कर दिया रेड कलर का माउथ। और ये मेरा वुलन सैंडल्स रेडी हो गया, देखिए कितना क्यूट है। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मैं आकांक्षा।